अरे आरती भाभी का फोन। मैं बात करती हूँ। जी भाभी। अब परिधि, अब सॉरी तुम्हें ऐसे समय पर डिस्टर्ब किया। वो मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। और देखो बिना किसी डरे साफ साफ जवाब दे देना। हाँ जी भाभी, कहिए ना। परिधि, तुमने जो विधि भाभी को हार लौटाया वो उनका ही है ना? मतलब नया हार तो नहीं दिया ना उन्हें? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आई मीन, बस इतनी सी बात के लिए आपने इतनी रात को कॉल किया? इतनी सी बात नहीं है परिधि। तुम जानती हो अभी घर पे पुलिस आई थी और उन्हें किसी करण नाम के इंसान की डेड बॉडी के पास बिल्कुल ऐसा ही हार मिला। और पुलिस का मानना है कि जिसने भी मर्डर किया है वो उसी का हार है। परी, क्या कह रही हैं आरती भाभी? जरूर तुम्हें परेशान कर रही होंगी, राइट? हेलो 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 आरती भाभी। हाँ परिधि, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 परिधि, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रही। वैसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी आरती भाभी को? मामला क्या है? कुछ नहीं, आरती भाभी छेड़ रही थी मुझे, टिप्स दे रही थी। हनीमून पर जा रही हूँ ना मैं, लेकिन कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया। दोनों का मोबाइल बंद कर दिया मैंने, जिससे कोई और फोन ना कर सके। लेकिन लेकिन पुलिस पहुंच गई ना आखिर घर तक। हे भगवान, क्या होगा? क्या हुआ आरती जी, क्या बोला उसने? कुछ तो कर पड़े एस जी। पहले परिधि ने मुझसे झूठ बोला कि उसे मेरी आवाज नहीं आ रही है। फिर जब प्रतीक भैया ने पूछा कि मैंने क्यों फोन मिलाया था, तो उसने बोला कि मैंने उसे हनीमून ट्रिप्स देने के लिए फोन किया है। इसका मतलब परिधि प्रतीक से झूठ बोल रही है। आरती जी, वो जरूर कुछ छुपा रही है। वो सिर्फ हमसे नहीं, सबसे झूठ बोल रही है। एक मिनट, मैं प्रतीक से बात करता हूँ। फोन स्विच ऑफ है। 1:40। अगर हम एयरपोर्ट जाएंगे भी तो तब तक तो फ्लाइट जा चुकी होगी। आरती जी, कैसे पता लगा है कि परिधि आखिर चाहती क्या है? एक इंसान है जो हमें बता सकता है कि परिधि ये सब क्यों कर रही है। और हो सकता है वो विधि भाभी को भी इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। अपने आप को संभालो। देखो तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम घबरा क्यों रही हो? एक सेकंड है, फोन आ। कोई पुलिस का फोन तो नहीं है? विधि मुझे बात तो करने दो। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर है। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उस इंस्पेक्टर ने ये साबित कर दिया कि वो हार पॉलिश वाला नहीं बल्कि नया है, तो क्या होगा? तो मुझे सजा होगी ना? मुझे फांसी की सजा होगी? मेरे दोनों बच्चे उनका क्या होगा? वो तो हॉस्टल में है ना, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं कि यहाँ वो क्या रहा। विधि संभालो अपने आप को। विधि, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ,
देखना ये लोग तुम्हें इस खून के इल्जाम में नहीं फंसा पाएंगे। और जो ये मुजरिम है ना, ये जहां कहीं भी होंगे मैं इन्हें पकड़ लाऊंगा, इन्हें मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा मैं, पर अपनी विधि पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। चलो पूछो अपने आंसू, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई। आप अपनी खुशियों को भूलकर अभी के बारे में सोचने लगी। आपको जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि आपका सेलिब्रेशन इस तरह अधूरा रह गया? ये मेरा भी तो परिवार है ना यश जी, और अगर किसी एक सदस्य पर मुसीबत आए तो दूसरा सदस्य कैसे खुशी मना सकता है? प्रॉब्लम चाहे परिधि की हो या विधि भाभी की, मेरे परिवार के बारे में भला सोचना है मेरी जिम्मेदारी है। आरती जी, हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी। चलिए उससे पहले कहीं देर ना हो जाए, हमें पता करना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो परिधि हमसे छुपा रहे हैं और क्यों। चलिए परी, मैं सोच रहा हूँ जाते जाते आरती भाभी से बात कर लेते हैं, उनका तो फोन भी आया था ना, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। अचानक सर में क्यों दर्द हो रहा है मेरे? प्रतीक प्लीज एक काम करो ना, एयरपोर्ट शॉप से कोई टैबलेट लेके आओ ना प्लीज, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। परी, आर यू श्योर? नहीं तो हम वापस चलते हैं। नहीं नहीं, आई मीन ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूं। हेलो। हेलो मम्मा, कितनी देर से तुम दोनों का फोन ट्राई कर रही हूं मैं, फोन बंद करके रखा है, कहां हो तुम लोग? मम्मा हम लोग अभी एयरपोर्ट लॉन्च में ही, टेकऑफ होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मम्मा बहुत बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या आरती का फोन आया था? तुमने क्या कहा, सब कुछ सच सच बता दिया क्या? नहीं मामा, मैंने आरती भाभी को कुछ नहीं बताया, और इतनी बड़ी बात मैं प्रतीक से भी कब तक छुपा के रखूंगी? एक ना एक दिन प्रतीक सच जान ही जाएगा, और वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग स्वीडन 10-15 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। और मम्मा वो मुझसे नाराज हो जाएगा और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएगा। मम्मा अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रतीक के बिना नहीं रह पाऊंगी। मम्मा परिधि, मुझे पहले ही हो गया था तुम पे जब तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी मम्मी के घर आना पड़ा। और अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम प्रतीक भैया को छुट्टियों पर स्वीडन नहीं ले जा रही हो, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें उनके परिवार से दूर कर रही हो। परिधि, तुम तो प्रतीक भैया से सच्चा प्यार करती हो ना, फिर ये कैसे भूल गई कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें खुदगर्जी बिल्कुल नहीं होती। सच्चा प्यार करने वाले खुशियां देने में विश्वास रखते, छीनने में नहीं।
प्रतीक भैया को तुम उनके परिवार से दूर तो कर दोगी, लेकिन अपने दिल और दिमाग से वो हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहेंगे। चिंता तो मुझे इस बात की है कि कहीं तुम्हारी इस कोशिश की वजह से तुम प्रतीक भैया के दिल से उतर ना जाओ। मैं ये नहीं जानती परिधि कि तुम अपनी किस गलती की वजह से अपने शहर और अपने देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो, लेकिन ये जरूर जानती हो कि ऐसा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी गलती को कभी नहीं सुधार पाओगी और ना ही कभी सुधारने का मौका मिलेगा। जिंदगी भर इसी गिल्ट में जीती रहोगी, सारा दुख सारी मुश्किलें खुद ही सहती रहोगी तुम। और यही यही अगर तुम अपना दुख अपनी तकलीफ अपने परिवार से बांटोगी तो सिर उठाकर अपने आप से नजरें मिलाकर जी पाओगी। परिधि मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अपनी गलतियों से हमेशा सीख ली है मैंने, हमेशा सबक सीखा है। इसलिए एक बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूं तुमसे, अपने लिए प्रतीक भैया के लिए हम सब के लिए वापस आ जाओ। हेलो हेलो परिधि, हेलो। उसने फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया। एक मिनट मैं ट्रैक करता हूं। माफ कीजिएगा, हमने इतने रात गया आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हेल्प की उम्मीद भी आपसे ही थी। अगर परिवार की सुख शांति का सवाल ना होता तो हम इतने रात गए आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन अब तो लगता है कि नहीं। यश जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार पर कोई आज कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, भले ही उसके लिए हमें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मुझे माफ कर दो आरती, बेटी की माँ होना इसलिए समझ ही नहीं पाई और उसे ऐसी सलाह दे बैठी। अगर मेरे बेटा होता तो शायद इस बात का एहसास होता कि जब बेटा घर छोड़कर जाता है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। अब अफसोस करने से क्या होगा, बस प्रार्थना कीजिए कि आरती जी ने जो भी परिधि को समझाया है वो परिधि की समझ में आ जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो, और अगर नहीं तो माफ कीजिएगा, जिंदगी भर अपनी बेटी का बसा बसा घर उजाड़ने का अफसोस करती रहेंगी आप। ये लो टैबलेट, अभी लो, आराम मिल जाएगा। प्रतीक पहले हम लोग चेक इन कर लेते हैं ना। परी अभी तो बहुत देर है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। प्रतीक तुम तो जानते हो ना मेरा नेचर, आगे बढ़ना ही मेरे लिए जिंदगी और वक्त से पहले पहुंचना अचीवमेंट कहलाता है। लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलिए यश, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ भैया, आखिर बात क्या है? वो इंस्पेक्टर राठौर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि विधि ने जो हार पहन रखा था वो पॉलिश किया हुआ नहीं बल्कि नया था, और जो हार उनके हाथ लगा है वो विधि का है। कल सुबह 10 बजे वो आ रहे हैं विधि को गिरफ्तार करने के लिए। यश बाबूजी सो रहे हैं और मेरी हिम्मत नहीं रही उन्हें जगा के बताने की। यश मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। तो प्रतीक और परिधि को भी फोन लगा रहा मैं, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। टेक ऑफ करने से पहले स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी उन्हें? अब समझ आ रहा है मुझे कि क्यों परिधि का फोन बंद है, कौन है ये करण मेहता और क्यों इंस्पेक्टर राठौर वारंट लेकर हमारे घर आ गए। करण मेहता का खून परिधि ने किया है,
आरती ने खून किया? परिधि का करण मेहता से क्या लेना देना? करण मेहता फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर है, फिर परिधि उसे जानती कैसे होगी? सबसे झूठ बोलकर परिधि करण मेहता के शो में ही काम कर रही थी। ये बात सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक प्रतीक भैया और दूसरी मैं। तुम विधि, तुम सब कुछ जानती थी? और जिस दिन करण मेहता का खून हुआ उस दिन परिधि मेरा ही वो नेकलेस पहनकर शूट पर गई थी। ये हो क्या रहा मेरे घर में? परिधि सबको झूठ बोलकर धोखा देकर टीवी में काम कर रही है, मेरा अपना छोटा भाई उसका साथ दे रहा है। तुम तो मुझे बता सकती थी ना? अरे अपनी छोटी बहन मानकर जिसकी गलतियों पर तुम पर्दा डाल रही थी, आज वही तुझे यहां पर फंसा कर चले गई। फांसी के फंदे से बचने के लिए दूसरे देश में भाग गई। अब तुम्हें पता है कौन फंसेगा? विधि तुम फंसोगी। तुम अब भी अक्कल ठिकाने नहीं आई है? हाँ? ये रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है और कुछ नहीं होता है। विधि नहीं भैया, लोग गलत हो सकते हैं लेकिन लेकिन रिश्ते नहीं। ये रिश्ते हैं तभी तो हम हैं, खुशियां हैं, परिवार है, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। आकाश भैया, बहुत विश्वास से बनते हैं ये रिश्ते, प्लीज अपना विश्वास मत टूटने दीजिए। विश्वास कैसे करूं मैं आरती? स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है आरती। अरे इसीलिए तो महाभारत अभी भी नया लगता है, क्योंकि आज के दौर में भी ऐसे अपने होते जो अपनों पर ही वार कर देते हैं, अपनों के साथ ही विश्वासघात करते हैं। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ पंकज भैया, आप अपने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि प्रतीक भैया को सब पता है? क्या पता परिधि ने उनको भी अंधेरे में रखा हो। मगर उसे इतना तो पता था ना कि परिधि टीवी शो में काम कर रही है। अगर उसमें थोड़ी भी अक्कल होती और रिश्तों के प्रति ईमानदारी होती तो ये सब जानते हुए वो चुप नहीं रहता। भैया भाभी, बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, आपसे अपनों से सबको धोखा देके भाग रहे थे हम। वो तो अच्छा हुआ कि आरती भाभी ने एन वक्त पर हमारी आंख खोल दी, वरना भाभी आरती भाभी ने यह एहसास दिलाया कि परिवार का साथ क्या मायने रखता है, प्यार का असली मतलब क्या होता है, अपनापन किसे कहते हैं और जिंदगी में कितनी जरूरत होती है अपनों की। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने आप को बचाने की मैंने करण मेहता उसका खून कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। रहने दो, बंद करो ये माफी मांगने का नाटक। परिधि तुम्हारे ये हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं, कातिल हो तुम। मैं भी इंस्पेक्टर को फोन करता हूं और उन्हें बताता हूं कि असली गुनहगार कौन है। रुक जाइए भैया, भैया प्लीज, परिधि को अपने किए का पछतावा है, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। हाँ पंकज भैया, अगर परिधि चाहती तो प्रतीक को हमेशा हमेशा के लिए स्वीडन ले जाती और कभी वापस नहीं आती। मानती हूँ परिधि ने बहुत
बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में परिधि का साथ दें, उसका सहारा बने। प्लीज पंकज भैया। भैया आपने भी तो मेरी कितनी सारी गलतियों को माफ किया है। भैया प्लीज परिधि को माफ कर दीजिए। भैया वो हमारी छोटी की पत्नी है, हमारे घर का हिस्सा है। भैया प्लीज भैया परिधि को माफ कर दीजिए। थैंक यू भैया। बस एक बहुत बड़ी मुसीबत कल सुबह आने वाली है। परिधि तुम घबराओ मत, भैया एक काबिल लॉयर है, तुम्हारा केस वही लड़ेंगे। लेकिन प्लीज परिधि तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा कि आखिर हुआ क्या था, किस लिए तुमने करण मेहता का खून किया। बताओ परिधि, अगर तुम सच सच बता पाओगी तब जाके भैया तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। हाँ परिधि, परिधि पंकज भैया को सब कुछ सच सच बता दो, जो भी मजबूरी रही हो, जो कुछ भी हो, सब साफ साफ बोल दो परिधि, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे ना। हाँ परिधि, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या करूं मैं, सच बताती हूं तो जो इतनी हमदर्दी जता रहे हैं, साथ दे रहे हैं मेरा, नफरत करने लगेंगे मुझसे। शादीशुदा होकर मैंने एक पराया आदमी के साथ कैसे, ऐसे में अगर मैं सच का खुलासा करती हूं तो मैं क्या करूं। शो में काम करने का ऑफर दिया, मैं बहुत खुश हो गई। हमेशा से इच्छा थी कि रेडियो के बाद टीवी पे काम करूं, और इतना अच्छा मौका घर बैठे किसको मिलता, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए किसी तरह मैंने प्रतीक को कन्विंस कर लिया, और फिर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के बहाने मम्मी जी से और घर में सबसे झूठ बोलकर शूट पर जाने लगी मैं। और एक दिन शूट पर डोंट टच मी, जाओ यहां से, अभी के अभी जाओ यहां से, और से डोंट टच मी। मुझे मार के और चिल्ला, परी उसने तुम्हें हाथ लगाया और तुमसे बदतमीजी की। प्रतीक मुझे मुझे नहीं पता था कि उस चोट से मर जाएगा। दूसरे दिन मैं जैसे सबको बताने वाली थी, न्यूज़पेपर में आके कि करण मेहता का मर्डर हुआ है। अरे इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुम सब कुछ अकेले सहते रहे, कम से कम मुझे तो बताया होता परी। भैया परिधि ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया है, वो गुनहगार नहीं है।
हम उसे सजा से बचा सकते हैं, है ना? नहीं। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाबूजी, परिधि ने जो किया, यश, कानून परिधि बहू को भली माफ कर दे, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। पहले भी चोरी छिपे रेडियो की नौकरी करती रही है, मेरे मना करने के बावजूद इसने कोई सीख नहीं ली। हम सबको धोखा देकर, झूठ बोलकर शूट पर जाती रही, अपनी मनमानी करने की जिद के कारण सिंधिया परिवार के नाम, हमारे मान सम्मान पर दाग लगा दिया है इसने। अपराध माफी के लायक नहीं है। हम सबके विश्वास को ठेस पहुंचाई है इसने भैया। सिंधिया परिवार की बहू होते हुए भी नौटंकी करती रही तू, गलियों में नाचती गाती फिरी, इसकी वजह से मेरे भैया और भाभी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अगर यह घर की बहू बनकर, घर की इज्जत बनकर घर की दहलीज के अंदर रहती तो उस आदमी की हिम्मत नहीं होती इसकी तरफ बुरी नजर डालने की। गलती परिधि बहू की है। अपना शौक पूरा करने के लिए जो औरतें पराए मर्दों के बीच जाकर हंसती बोलती हैं, इस तरह की घटनाओं का खुद न्योता देती हैं वो। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। किसी औरत के घर से बाहर काम करने का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, बल्कि आजकल औरतें घर का काम और बाहर का काम बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानती है। और रही बात परिधि की, वो जो भी काम करती, चाहे वो आरजे का हो या एक्टिंग का, बहू जी वो एक टैलेंट है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं। तो मुझे लगता है बहू जी कि हमें इसे माफ कर देना चाहिए। हाँ बहू जी, परिधि एक कलाकार है, हमें उसकी कला की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, उससे एक गलती हुई कि उसने हमें सच सच में यश, इस पराई लड़के के लिए तुम अपने बाबूजी से बहस करोगे? बाबूजी वो पराई नहीं है, हमारे घर की एक सदस्य है। अगर आज मेरी एक बहन होती या आपकी कोई बेटी होती, अगर उससे कोई गलती होती बाबूजी, तो क्या आप यही करते, उसे माफ नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा अपना खून भी इस तरह की गलती करता तो भी मेरा रवैया यही होता। झूठ और धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले जाएगी इसे, भुगतेगी अपने किए की सजा। हाँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए हम दोनों को। हाँ जी, परी मेरी पत्नी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। हाँ जी, झूठ सिर्फ परी ने नहीं बल्कि मैंने भी सबसे बोला। हाँ जी प्लीज परी को बचा लीजिए, इस वक्त उसे उसे हम सबके साथ की जरूरत है। हाँ जी प्लीज, मैंने अभी कहा था कि झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे, चाहे वो मेरा अपना ही खून क्यों ना हो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैं ये समझूंगा कि मेरे दो ही बेटे। बाबूजी तो मान नहीं रहे जी, पुलिस भी कल आ जाएगी, अब क्या करेंगे हम? दुबे, प्रशांत को मैंने इंजेक्शन दे दिया बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्रिटिकल। अब उसे बचाने का एक ही तरीका है, हमें जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इमीडिएट। बच्चों को अपने साथ ले जाइए ना, घर के माहौल में बहुत तनाव है।
डॉक्टर साहब, मैं मेरे बेटे को सही सलामत देखना चाहता हूं, उसे मरता हुआ नहीं देख सकता मैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है ना? होगा डॉक्टर साहब, जरूर होगा। मेरे पास अपने बेटे को बचाने के लिए एक तरीका है, वो भी आरती और यश से छुपाकर। यश जी, 9:30 बज गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बोला था कि वो 10 बजे तक आ जाएंगे। भैया, पुलिस के आने से पहले हमें जमानत के पेपर तैयार करने होंगे। यश, पाऊजी की बात के खिलाफ कैसे कदम उठा सकते हैं? भैया, पाऊजी को मैं मना लूंगा, लेकिन भैया प्लीज, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो 11 बजे खुलेगा, तभी जमानत के पेपर तैयार हो सकेंगे। हेलो मिस्टर सिंधिया, आपकी पत्नी मिसेस विधि सिंधिया को करण मेहता के मर्डर के इल्जाम में मैं गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, करण मेहता का खून मेरे हाथों हुआ है। आपकी तारीफ। मैं मिसेस परिधि सिंधिया, इस घर की छोटी बहू, पढ़ने वाली जगह से आपको जो नेकलेस मिला वो विधि भाभी का ही है। उस दिन उसे मैं शूट पर पहन कर गई थी। इंस्पेक्टर, परिधि ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया है, इसकी कोई गलती नहीं। देखिए मिसेस सिंधिया, अब सारी बातें कोर्ट में ही होंगी और सही गलत का फैसला भी। मेरी ड्यूटी सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करना है। अरे सर, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, परिधि को हाथ खड़ी मत पहनाइए। आई एम सॉरी, मैं कानून तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझ सकती हूँ कि हथकड़ी पहनकर परिधि के दिल पर क्या गुजरेगी। ये मुजरिम नहीं है, प्लीज आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। रहने दो, हथकड़ी मत पहनाओ, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। खून परिणी नहीं, मैंने किया। चलिए आप। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। भैया, हमें जल्दी से जमानत की तैयारी करनी होगी, चलिए। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी पुलिस परिधि को लेकर गई। जानता हूं, मैंने कल रात ही अपना फैसला सुना दिया था। लगता है तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। माफ कीजिएगा पाउची, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए आपकी बात से कहीं ज्यादा जरूरी है। परिधि की जिंदगी और उसकी खुशियां। चिंता उनकी की जाती है यश, जो उसके लायक हो। तुम्हारे छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने क्या गलती की है जानते हो ना तुम? हाँ भौजी, मैं जानता हूं, लेकिन भौजी गलतियां तो हम तीनों भाइयों से भी होती थी ना। आपको याद है जब हम तीनों भाई छोटे हुआ करते थे और जब हम बहुत सारी बदमाशियां किया करते थे, तो आप हम तीनों का कान पकड़ लिया करते थे और कहते थे कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, और हमें आप माफ कर दिया करते थे। हर गलती की माफी नहीं होती यश,
परिधि बहू ने बार बार समझाने के बावजूद भूल पर भूल की है। पहुंचे अगर आज मां यहां होती तो शायद आपको मना लेती। वादा किया था ना कि आप मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा जरूर देंगे, तो आज मैं आपसे मांगती हूं मुझे तोहफे में ये आज्ञा दे दीजिए कि हम सब इस मुश्किल घड़ी में परिधि की मदद कर सके। उसे हमारे साथ की जरूरत है। प्लीज बहू जी, प्लीज बहू जी माफ कर दीजिए। प्रतीक और परिधि की जिंदगी का सवाल है। प्लीज बहू जी, यही खासियत है मेरे परिवार की, हर परिस्थिति में एकजुट होकर खड़ा रहता है। ईश्वर का वरदान ही समझूंगा मैं इसे। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से इतना प्यार है, लगाव है। यहां सब एक दूसरे की गलतियां छिपाना जानते हैं, तो उस गलती को, उस भूल को सुधारने का मौका भी देना चाहते हैं। जाओ, इस परिवार की बहू को इस संकट से उबार कर इस घर में वापस लाना है तुम सबको। भैया जमानत की तैयारी करनी होगी, चलिए। प्रतीक चलो। भगवान करे परिधि को जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाए। ऐसे ही होगा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी मैं माँ के घर जाती हूँ। बच्चों को तो वहां भेज दिया, लेकिन उनकी कुछ जरूरतमंद चीजें और कपड़े यहीं रह गए। मैं तुरंत बैग देकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। प्रशांत जब हॉस्पिटल से घर आएगा तो अंश से क्या कहूंगी मैं? कौन है वो और मेरे घर में क्या कर रहा है? रात को तो बच्चे आते ही सो गए थे, प्रशांत से सामना नहीं हुआ था उनका, लेकिन अब क्या जवाब दूंगी मैं अंश को? कैसे नहीं, मैं इसी घर में तो रहता हूं, किराएदार हूं ना, मैं यहां पर किराए पे रहता हूं। वेरी गुड, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग भी सैटरडे संडे की छुट्टी पर बड़ी मम्मा के घर आए हैं। चलो ना अंकल फुटबॉल खेलते, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना। अंश जिद मत करो,
इनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। अरे नहीं भाऊजी, मैं अंकल मैं ठीक हूं। चल खेलते, चल। चलो बाबूजी, आप अंश को लेकर कहां जा रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, हम रिक्शा में गोल्ड मार्केट जाएंगे बड़े पापा। हाँ बेटा। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जज्बात में बहकर जल्दबाजी में आपने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है। सोचने समझने का वक्त नहीं है प्रशांत, और मैंने जो फैसला कर लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। रुकिए प्रशांत, प्रशांत ये क्या कर रहे हो तुम? प्रशांत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत सुनो, प्रशांत मेरी बात सुनो। रुको बेटा, प्रशांत रुको, मैं कह रहा हूं। मां बाप जी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अंश, ए कहां ले जा रहे हो मेरे अंश को? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? चाल चलन देखकर तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि जिस बच्चे को तुम मेरा कहती हो मेरा है भी या नहीं। न जाने किसका गंदा खून है वो हरामी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंश को हाथ लगाने की? कहां लेके जा रहे थे अंश को? पुनर्वि